नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। जितना जल्द से जल्द हो सभी साथी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें क्लास में, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए होने वाला है महत्वपूर्ण। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं अर्ली मेडिएबल और मेडिएबल पीरियड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मध्यकालीन भारत का। एक बार सभी के सभी साथी लोगों से सविनय निवेदन है कि जल्द से जल्द क्लास में मौजूद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी साथी लोग एक बार जल्द से जल्द क्लास में मौजूद हो जाएं। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कहते हैं कि अगर ढंग से की जाए तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। कभी भी कोई भी चीज नौसिखिया बोलते हैं ना कि सर मेरा पहला है, क्या पहली बार में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है आपका सिलेक्शन, लेकिन ध्यान से चीजें पढ़ा जाए। जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, जितने भी नए साथी हैं, उन सभी से सभी ने निवेदन है कि एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक शेयर करते हुए एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। सभी के सभी स्टूडेंट्स, सभी लोग आ गए क्लास में, स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन बिना इंतजार के क्वेश्चन पे चलते हैं, फोकस्ड वे में एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, That is the very important questions. ध्यान से answers करते चलेंगे। Question बहुत सुंदर सा question है। Question कहता है कि 851 ईस्वी में, मतलब 851 ईस्वी में अरब यात्री ने मिहिर भोज की प्रशासन कुशलता की प्रशंसा की थी, मिहिर भोज की। तो ये question पूछ रहा है कि which Arabic traveler writing in AD 851 paid glowing tribute to the efficiency of Mihir Bhoj administrations. सभी साथी लोग जल्द से जल्द क्लास में मौजूद हो जाए। एवरीवन, अचानक से हुआ क्योंकि मैंने क्लास आप लोग का लगाया और अचानक से आंख लग गई थी। 5 मिनट में अपनी लाइफ में सबसे छोटा मतलब कहता ना कि नींद 5 मिनट का लिया हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था क्लास। एक बार सभी के सभी लोग क्लास में आ जाए। कहा जाता है, ध्यान से सुनेंगे, सुलेमान अल ताजीर ये किताब का नाम था। इस किताब में सुलेमान ने सबसे ज्यादा तारीफ लिखी है और तारीफ इन्होंने राष्ट्रकूट, बर्मार, उसके बाद पाल वंश और कई चीजों का वर्णन किया है। यहाँ पे एक दिलचस्प चीज है, अमोघ वर्ष की भी बात करता, अमोघ वर्षा के दरबार में आया था, अमोघ वर्ष के दरबार में आया था और अमोघ वर्ष को दुनिया के 4 मोस्ट पावरफुल रूलर में से एक बताया था, मोस्ट पावरफुल रूलर में से एक बताया था। एक क्वेश्चन और भी बनता है, इन्होंने राष्ट्रकूट को ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रकूट को बलहारा कह के पुकारा था, बलहारा कह के पुकारा था। दिस इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एक स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लास को शेयर करते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकेंड को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूट किंग हु डिफीटेड द प्रतिहाराज रूल नागभट्ट सेकेंड वॉज, आप याद रखिएगा, नागभट्ट प्रथम के समय में, नागभट्ट प्रथम के समय में जो है ये व्यक्ति जो है अल सुलेमान आया था, और अल सुलेमान वही हैं जिन्होंने अरब, जिन्होंने इंडियन ओशियन को, इंडियन जो है इंडियन ओशियन को दरियाए हरगंद कह के पुकारा, ठीक है। चलिए, प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकेंड को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट का राजा कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट? ध्रुव, कृष्णा वन, गोविंद थर्ड एंड गोविंद वन, विच इज द करेक्ट आंसर? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते चलेंगे, फिर आंसर गलत कर रहे हो। राइट आंसर शुड बी द गोविंद थर्ड, शुड बी द करेक्ट आंसर। गोविंद तृतीय ने हराया था किसको? नागभट्ट को। राइट आंसर विल बी द सी इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट का आंसर कंटिन्यू सही हो रहा है और कुछ का गलत, तो घबराना नहीं, आगे अभी हिसाब बाकी है। आज क्वेश्चन आप लोगों को तकरीबन 25 से आगे हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग को पढ़ाते चलो। सभी लोग, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को अरब व्यापारी सुलेमान ने रुहामा कह के पुकारा था?
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सुलेमान ने बलहारा कह के किसको पुकारा था, राष्ट्रकूट को, राष्ट्रकूट को बलहारा कह के पुकारा था। तो रुहामा किसको कह के पुकारा था, ये क्वेश्चंस पूछा गया, थोड़ा सा फास्ट कमेंट करके बताएंगे रुहमा किसे कहा गया, विच इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा फास्ट आंसर्स करते चलेंगे, विच विल बी द करेक्ट आंसर, राइट आंसर विल बी द पाल, पाल इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पाल विल बी द करेक्ट आंसर। पाल, पाल को आपने क्या कह के पुकारा, रुहामा कह के पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब थोड़ा आगे चलकर बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ना जरूर क्वेश्चन को अच्छे से, तुक्का नहीं मारना कोई भी स्टूडेंट, ईमानदारी से पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, वो पाल शासक कौन था जिसने जावा के शैलेंद्र राजा बाल पुत्र देव को नालंदा में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी, इसके रख रखाव के लिए 5 गांव भी दिए थे। द पालाज रूलर हु परमिटेड बाल पुत्र देव द शैलेंद्र किंग ऑफ द जावा टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड इंडोर्ड 5 villages फॉर इट्स अपकीप वाज। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, विच विल बी द करेक्ट आंसर, ऐसा करने वाला जो पहला शासक था वो था देवपाल, राइट आंसर शुड बी द देवपाल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनते चलिएगा, ये गोपाल की अगर आपसे बात करें, इसका आंसर तो ए हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। गोपाल, गोपाल के बारे में कहा जाता है कि गोपाल ने कई यूनिवर्सिटीज पे, इन्होंने उदंतपुरी यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का, ठीक है। धर्मपाल ने, आप सभी जानते हैं कि कहा जाता है ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, और वो भी किस चीज के स्टडी के लिए, जादू टोना को पढ़ाने के लिए। जादू टोना में भी खास तौर से वज्रयान, तंत्रयान जिसे कहते हैं हम लोग, तंत्रयान को स्टडी कराने के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है। इन्होंने सोमापुरी यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कराया था, सोमापुरी यूनिवर्सिटी, सोमापुरी विश्वविद्यालय का भी स्थापना कराया था। धर्मपाल इतना फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से आंसर्स करते चलेंगे एवरीवन। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय के बारे में अलबरूनी की राय से मेल नहीं खाता, कौन सा नहीं मेल खाता। नाइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद द अलबरूनीज ओपिनियन अबाउट इंडियंस, ओके, इंडियंस के बारे में डज नॉट, ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कौन सा नहीं खाता है। भारतीय ज्ञान बांटने को तैयार नहीं थे, ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से देखते चलेंगे। इंडियंस वर नॉट रेडी टू शेयर नॉलेज, इंडियंस वर गुड एट पोएट्री, ओके, इंडियंस वर ग्रेट बिल्डर्स, ठीक है, इंडियंस वर नॉन अप्रिशिएटेड अबाउट द अचीवमेंट ऑफ अदर्स, ऐसा कहा गया कि भारतीय दूसरों की उपलब्धि की सराहना नहीं करते। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। भारतीय ज्ञान बांटने को तैयार नहीं थे, अगर नहीं होते तो इतनी यूनिवर्सिटी नहीं बनाता, पहली बात। कौन मेल नहीं खाता, मेल कौन सा नहीं खाता है, भारतीय कविता में अच्छे थे, भारतीय कविता में अच्छे थे, इंडियंस वर गुड एट दी पोएट्री, ऐसा जो है मेल नहीं खाता है। भारतीय महान निर्माता थे, महान निर्माता थे, ग्रेट बिल्डर्स नहीं, भारतीय दूसरों की उपलब्धि की सराहना करते थे, ये तो ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि जो मेल नहीं खाता है वो 2 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर, आपका बी वाले सभी स्टूडेंट्स करेक्ट होंगे, बी शुड बी द करेक्ट आंसर, मेल नहीं खाता है ना कहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में चंदेल शासक द्वारा निर्मित खजुराहो का, मतलब खजुराहो का टेम्पल जो है वो किसके द्वारा, चंदेलों के द्वारा बनाई गई है, और वो कौन से धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट, जैन, शैविज्म, विच विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा स्पीड में आंसर्स करते चलिएगा एवरीबॉडी। नमस्कार एवरीवन, एक बार क्लास को सभी के सभी स्टूडेंट लाइक शेयर करते चलिएगा, ध्यान से आंसर्स करते चलेंगे सभी के सभी, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते चलो सभी स्टूडेंट्स। 11वीं शताब्दी में चंदेल राजा द्वारा निर्मित खजुराहो का मंदिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, विच विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहली बात, खजुराहो जो है जैन और शैविज्म को
फोकस करता है, जैनिज्म एंड शैविज्म पे फोकस करता है, बुद्धिज्म पे नहीं। आपका राइट आंसर शुड बी द बी इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग करेक्ट हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। स्कोर आप लोग जरूर शेयर करना। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिले करके लेट करके ज्वाइन करते हैं क्लास, ठीक है, और वो 10 ही क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट से भी कहना है कि जितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया उतना में अपना स्कोर जरूर शेयर करना सभी के सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाल आर ट्रू, पाल शासक के बारे में कौन सा सत्य है? पाल हैड क्लोज ट्रेड कॉन्टेक्ट एंड कल्चर लिंक विद द साउथ ईस्ट एशिया, पाल हैड क्लोज कल्चर रिलेशन विद द चाइना, देवपाल फाउंडेड द फेमस महावीरा ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट है पाल रूलर वर ग्रेट पैट्रॉन ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड रिलीजन। इसका हिंदी देख लीजिए, ध्यान से आंसर कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है सभी के सभी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी के सभी। सभी के सभी लोग फास्ट आंसर्स करते चलेंगे। पाल के बारे में, पाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है ये पूछा। पाल के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क और सांस्कृतिक संबंध थे। ये संबंध जैसे चीजें हैं तो ठीक है। पाल के चीन के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे, ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा। देवपाल ने विक्रमशील पहले बात की, धर्मपाल ने किया, तो ये भी इनकरेक्ट है। पाल शासक बौद्ध शिक्षा जैसे कि तंत्रयान है जिसे हम वज्रयान कहते हैं और उसके महान संरक्षक थे, ठीक है। राइट आंसर शुड बी द बी इज करेक्ट आंसर, बी वाले सभी लोग करेक्ट। मुझे पता था हरबरी में ना गलती करने की आप लोगों ने ठान लिया कि मेरे को गलती करना है हरबरी। आप लोग ध्यान देते नहीं हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने बताया है ऑलरेडी, सब चीजें पढ़ा चुका हूं, हालांकि अभी मेडिएवल में कुछ चीजें अभी पढ़ाना बाकी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल काल के दो बौद्ध भिक्षु जो तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है वो भारत भी आकर ज्ञान अर्जित किए हैं, इसमें से वो कौन कौन है? वीरदेव, अतीश दीपांकर, वज्रदत्त और संत रक्षिता। विच इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन है बाबा लोग, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। टू बुद्धिस्ट मॉन्क, क्या कह रहा है? दो बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे जो पाल पीरियड में रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं बौद्ध धर्म को तिब्बत में फैलाने के लिए? तो पहली बात की वीरदत्त नहीं होंगे और वज्रदत्त नहीं होंगे, अतीश दीपांकर और संत रक्षिता ये दोनों के बारे में कहा जाता है, इन्होंने अपनी एजुकेशन यहाँ पे हासिल की है। तो 2 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर, बी वाले सभी लोग। क्लियर है? क्लियर है सभी के सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शासक परिवार की उत्पत्ति का वर्णन, किस शासक परिवार की उत्पत्ति का वर्णन साहित्य में, बार्डिक साहित्य में माउंट आबू के वशिष्ठ यज्ञ कुंड में किया गया, या कुंड से किया गया? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ विच रूलिंग फैमिलीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द बार्डिक लिटरेचर फ्रॉम द वशिष्ठ सैक्रिफाइशियल पिट एट माउंट आबू। अच्छा क्वेश्चन है। चहमान, दैट इज कॉल्ड द चौहान, चहमान मीन्स चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, ये सारे के सारे के बारे में बताया जाता है कि इनका जिक्र माउंट आबू के मंदिर से एसोसिएटेड है, उनमें यज्ञ में इन सभी का नाम लिया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप लोग आपस में बतियाने से अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप लोग आंसर्स करते चलो सभी के सभी। एग्जैक्टली, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो रखा है आज, आज तभी तो मजा आने वाला और मजा आ भी रहा। हल्के क्वेश्चन करके क्या फायदा है ना, सभी के सभी लोग फास्ट आंसर्स करते चलिएगा सभी के सभी। सपनों की दुनिया बोर्ड पे पढ़ाएंगे, पहले यहाँ तो पढ़ लीजिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। बोर्ड पे पढ़े या खाली, कहते हैं ना कि रोड पे पढ़ाए या बोर्ड पे पढ़ाए, आंधी में पढ़ाए या तूफान में पढ़ाए, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता। इसीलिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चंस, ये काफी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिहिर भोज, इसके बारे में, मिहिर भोज एंड द प्रतिहारास किंग आर ट्रू, मिहिर भोज के बारे में जो की प्रतिहार शासक है उसके बारे में क्या सही है? मिहिर भोज वॉज डिफीटेड बाई द पाल रूलर धर्मपाल, द दौलत पुत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन
of the Bhoj shows his success in the opening his authority over the central and eastern Rajputana. Bhoj adopted the title of Adi Vara. Next, Al Masudi pays a glorious tribute to the efficiency of the Bhoj administration. इस questions को हिंदी में भी देख लीजिए. सभी के सभी सभी के सभी थोड़ा सा स्पीड में. प्रतिहार राजा मिहिर भोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मिहिर भोज को पाल शासक धर्मपाल ने हराया था. पहला क्वेश्चन है धर्मपाल ने हराया था. दूसरा है भोज का दौलतपुर ताम्र अभिलेख मध्य और पूर्व राजपुताना पर अपने अधिकार को पुनः स्थापित करने में उसकी सफलता को दर्शाता है. ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये वाला जो है दैट इज द करेक्ट है. ठीक है, भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की, ये भी करेक्ट ऑप्शन है. ये वाला ऑप्शन धर्मपाल ने नहीं हराया था, पहली बात मिहिर भोज. ठीक है, अल मसूदी भोज की प्रशासन की दक्षता के लिए एक शानदार श्रद्धांजलि अर्पित करता है. ऐसा नहीं है. राइट आंसर शुड बी द, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी शुड बी द करेक्ट आंसर. सी वाले सभी लोग. ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर. सभी लोग फास्ट आंसर्स करते चलिएगा. दैट इज द सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन या विश्वकोश नामक कृति है. देखो ध्यान से कि अ वर्क नोन एज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल लाइफ इन द 11th सेंचुरी इज. 11वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन का विश्वकोश नामक कृति है. विश्वकोश किसने लिखा? पहला ऑप्शन है क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव द्वारा कथा सरित सागर, कल्हण की राज तरंगनी, अनंत वर्धन का प्रबोध चंद्रोदय. विच विल बी द करेक्ट आंसर. अच्छा क्वेश्चन है, नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सभी लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते चलिएगा. विच विल बी द करेक्ट आंसर. थोड़ा स्पीड. वर्क. राज तरंगणी ऑफ कल्हण. पहली बात की 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी मीन्स की 1050 के आसपास में हो जाएगा. विश्वकोश पूछा है तो पहली बात विश्वकोश के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे. बेटा मेरे, आप लोग पहले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए. आप लोग का कमेंट्स में देखता रहता हूँ. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सभी के सभी स्टूडेंट से, थोड़ा सा क्लास को डिग्निटी बरकरार रखें. ठीक है, और आंसर्स करते चले. ठीक है, चलिए थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते चलिएगा सभी के सभी. अभी तक आंसर सही नहीं आया मेरे पास. सोमदेव की कथा सरित सागर शुड बी द करेक्ट आंसर. इसमें आपके बारे में कहा जाता है विश्वकोश नामक. कल्हण की राज तरंगणी 1150 एडी के आसपास में लिखी गई है, तो ये तो 12वीं शताब्दी हो गई ना. पहली बात तो आप 11वीं शताब्दी कैसे कर सकते हो आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following were not influenced by the tantrism? Questions को ध्यान से देखिएगा सभी लोग. निम्नलिखित में से कौन तंत्रवाद से प्रभावित नहीं था? तंत्रवाद से प्रभावित कौन सा नहीं है? तंत्रवाद से बुद्धिज्म, शक्ति, जैन और नथ पंथीज. Which is the correct answer? याद रखिएगा, बुद्धिज्म तंत्रिज्म से प्रभावित है, शक्ति भी तंत्रिज्म है, पंथीज में भी है, नाथ पंथीज में, जैन में तंत्र का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है. सी शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सारे के सारे मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस, सारे के सारे. आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. देखो, रूलर है अमोघ वर्षा, भोज, विग्रहराज और बल्लाल सेन, और इनका लिटरेरी वर्क कौन सा है? ध्यान से देखकर आंसर करें. अमोघ वर्षा, भोज, विग्रहराज और बल्लाल सेन. दानसागर, हरिकेली नाटक, सम्रांग, सूत्रधार, कविराज मार्ग. बहुत सुंदर क्वेश्चन है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्लास. बहुत अच्छा क्वेश्चन, नाइस. एवरीबॉडी
थोड़ा सा स्पीड में आंसर्स करते चलिएगा सभी के सभी लोग। अमोघ वर्षा, भोज, बिग्रह राज और बल्लाल सेन, विच विल बी द करेक्ट आंसर? देखो अमोघ वर्षा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने, इनकी साहित्य रचना कवि राज मार्ग से, भोज ने सम्रांग सूत्रधार इनके द्वारा लिखी गई थी, विग्रह राज हरि केली नाटक इनके द्वारा है और ये संस्कृत में है, संस्कृत में। अभी हम आते हैं बल्लाल सेन, दान सागर इन्होंने लिखा। एक क्वेश्चन बनता है कि आपने ढाई दिन की झोपड़ा की बात सुनी होगी, ढाई दिन का झोपड़ा सुना है ना, ठीक है। ढाई दिन के झोपड़ा के बारे में हम जानते हैं कि ये सबसे पहले संस्कृत कॉलेज था, कौन सा था, ये संस्कृत स्कूल था ऐसा बताया जाता। और विग्रह राज फोर्थ के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसे बाद में चलकर इसे किस नाम से, इसे कहा जाता है कि इसे बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दी गई। तो ये छोटा सा नॉलेज के रूप में मैंने आपसे शेयर किया, ये शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से। स्कॉलर है राजशेखर, माणिक्य नंदिन, कंबन और पंपा, और उनके लिटरेचर है जैन लिटरेचर, संस्कृत, कन्नड़ और तमिल, नाम से भी आप आंसर कर सकते हो, ध्यान से आंसर्स करते चलिएगा, विच विल बी द करेक्ट आंसर सभी के सभी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप लोग आंसर्स कर रहे हो, एंड मस्ट पार्टिसिपेट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस बेटा। राजशेखर, माणिक्य नंदिन, कंबन और पंपा, ये क्वेश्चंस को देख रहे हैं और साहित्य को देखो ध्यान से, जैन लिटरेचर, संस्कृत, कन्नड़, ओके नाइस, हो गया क्वेश्चंस के आंसर, थोड़ा सा स्पीड आंसर्स करते चलिएगा। राजशेखर के बारे में कहा जाता है कि तमिल साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। माणिक्य नंदिन कन्नड़ है, कन्नड़ लिटरेचर में इनका योगदान है। कंबन के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत जो है साहित्य में इनका योगदान था, और पंपा एक जैन साहित्य, और पंपा जैन फिलोसोफर में से एक है, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ एक्चुअली में वो टेम्पल्स पे जो है ना, सरस्वती टेम्पल्स के रूप में भी जानते हैं, या आप कह सकते हो कि संस्कृत स्कूल्स के रूप में जहां पे सिखाई जाती थी नाटक शास्त्र वगैरह, जो बाद में चलकर अढ़ाई दिन के झोपड़ा में कन्वर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से। एक तरफ लिस्ट नंबर लिस्ट ऑथर का और इनका काम क्या है, श्री हर्ष, हिमाद्री, सारंग देव और मुकुंद राज, चतुर्वंगा, चिंतामणि, विवेक सिंधु, संगीत, नेक्स्ट है नैसद। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इसका हिंदी भी देख लो ताकि आपको आसान हो जाए। श्रीहर्ष, हिमाद्री, सारंगदेव और मुकुंद राज, चतुर्वंग, चिंतामणि, विवेक सिंधु, संगीत रत्नाकर, नेक्स्ट है नैषध चरित, विच विल बी द करेक्ट आंसर? थोड़ा स्पीड में, बहुत बढ़िया बच्चे, आज का क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है और बहुत दिलचस्प क्वेश्चंस भी है, जहां पे कम से कम इतना तो आपके दिमाग में आए कि हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो बिफोर सल्तनत का कुछ ऐसा पार्ट है जो आप लोग अपने नजर से हटा देते हैं, जैसे चहमनाज है, प्रतिहार है, परमार है, पाल है, सेन है, इन सबको भी पढ़ते चलना है और उनके दरबारी राइटर्स के बारे में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर, विच इज द करेक्ट आंसर? थोड़ा स्पीड में आंसर्स करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से और आंसर करने की कोशिश करते हैं। श्री हर्ष के बारे में कह रहा है, श्री हर्ष इज एसोसिएटेड विद द नैषध चरित, हिमाद्री इज एसोसिएटेड विद द चतुर्वर्ग चिंतामणि,
नेक्स्ट है सारंगदेव संगीत रत्नाकर और मुकुंद राज विवेक सिंधु। आपका बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इससे पहले के क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं एक बार मिला लेता हूँ। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस को 14 नंबर को थोड़ा देख लेते एक बार फिर से। बेटा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इस वजह से मैं इसको दोबारा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। राजशेखर के बारे में कहा जाता है, राजशेखर एक संस्कृत लिटरेचर का स्कॉलर था, तमिल नहीं, वो गलत मैच हो गया था। एक बार आप इसको सही कर लीजिएगा, राजशेखर। ठीक है, मान्य मनिक नंदिन, मनिक नंदिन एसोसिएटेड विद द, मनिक नंदिन नंदिन इज एसोसिएटेड विद द जैन लिटरेचर। नेक्स्ट है आपका कंबन, कंबन इज तमिल लिटरेचर, वही मैं मेरे जहन में बार बार चल रहा था। और पंपा इज कन्नड़ लिटरेचर। आप सी इसका आंसर कर लेना एक बार, इसको इसको मिटाकर, इसको जो है मिटाकर, इसको बी को मिटाकर इसको सी कर लीजिएगा एक बार। सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सी इसको कर लीजिएगा एक बार सभी लोग। सी इज करेक्ट आंसर। मैच इन दी फॉलोइंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, ताकि ये आपको मिल जाए क्वेश्चन तो इजी रहे। चलिए यहां से बहुत इजी क्वेश्चंस आप लोग के, हाँ वो प्रॉब्लम होती है, वो आप ही के साथ नहीं है, बहुतों के साथ हो जाता है। मैं कभी कभी इसकी, मेरे से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ें। ऐसा कह रहा है, देखो क्वेश्चंस देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि नोट करेक्टली मैच पूछा है। क्या पूछा है? नोट करेक्टली मैच पूछ रहा है। ठीक है, फकरे मुदब्बिर, अदाबुल हर्ब व सुजात, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऑथर और उनकी किताब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, फकरे मुदब्बिर, अदाबुल हर्ब व सुजात, मोहम्मद कबीर, अफसाना है शाहनामा। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बरनी, फतवे जहांदारी और सदीदुन मोहम्मद औफी, खजानतुल फुतूह। विच विल बी द करेक्ट आंसर? सभी भी ठीक है, ठीक है। रितु चौधरी, वेरी गुड, ध्यान से आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 16 का, क्योंकि सर फकरे मुदब्बिर ने अदाबुल हर्ब व सुजात लिखा, मोहम्मद कबीर अफसाना है, नेक्स्ट जियाउद्दीन बरनी ने फतवाए जहांदारी। ये तो मेरे वीडियोस देखकर भी आपको अंदाजा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन देखेंगे, सदेदुल मोहम्मद औफी ने खजनतुल फुतू, तो अमीर खुसरो ने लिखा था। किसने लिखा था? अमीर खुसरो। कल की भी क्लास में मैंने ये चीज डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? अमीर खुसरो विल बी द करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये नोट पे आप हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा सही नहीं है पूछता है। तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, शाहनामा, इनायत खान, बरिस्तानी गैबी, मिर्जा हैदर दुगलत, नुक्शे दिलकुशा, भीमसेन। विच विल बी द करेक्ट आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर्स करते चलिएगा। आवाज जा रही है ना सभी को? क्लियर? एक बार कमेंट करते चलेंगे, आवाज क्लियर है सभी को? आवाज क्लियर? ध्यान से आंसर्स करते चलिएगा एवरीबॉडी। तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, करेक्ट है शाहनामा, इनायत खान के द्वारा, बरिस्तानी गैबी, मिर्जा नाथन के द्वारा। किसके द्वारा? मिर्जा नाथन के द्वारा, नाथन के द्वारा, तो दोगलत नहीं होगा। नुक्शाए दिलकुशा भीमसेन ने लिखा। आपका राइट आंसर शुड बी द सी इज करेक्ट आंसर। सी वाले सभी लोग करेक्ट, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर। ये है प्रैक्टिस के, अब ध्यान से देखो क्वेश्चंस को। People were happy and contented under his rule, and so the young and the old, the slave and the free condoled, and his death by wearing black garments. Farishta, in his book Tariq-e-Firozshahi, writes his this for which Sayyid rulers? क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, देखो पहले मैं हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ कि लोग उनके शासन काल में खुश और संतुष्ट थे, और इसलिए युवा और बूढ़े, गुलाम और आजाद ने काले कपड़े पहनकर उनकी मृत्यु पर शोक शोक व्यक्त किया। फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोज शाही में, हालांकि तारीखे फिरोज शाही कई लोगों ने लिखा है, ठीक है, कई लोगों के द्वारा लिखी गई है, जियाउद्दीन बरनी ने भी लिखा है, शमसे सिराज ने भी तारीखे फिरोज शाही लिखा है, और फरिश्ता की भी लिखी गई किताब तारीखे फिरोज शाही है। ठीक है, मैं ये किस सैयद शासक के बारे में लिखा? खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह। विच विल बी द करेक्ट आंसर? एग्जैक्टली रूही, आई विल मस्ट डिक्टेट
ऑल द राइटर्स एंड हिज बुक। ओके, ध्यान से आंसर्स करते चलेंगे। तारीखे फिरोजशाही में किस सैयद शासक के बारे में ऐसा लिखा गया है? तो राइट आंसर विल बी द खिजर खान के बारे में। खिजर खान के बारे में कहा जाता है कि अपने आप को पैगंबर से संबंधित बताते थे, मैं पैगंबर के वंशज हूँ, मोहम्मद साहब के वंशज इन्होंने बताया था। और वैसे ये किसके नॉमिनी है? तैमूर के नॉमिनी था, तैमूर का नॉमिनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से सभी लोग, निम्नलिखित में से किसका मत था कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रहना चाहिए और चरखा चलाना चाहिए? ये बात को ध्यान से समझना सभी लोग। Who among the following opined that the women should be confined to the house and work on the spinning wheel? मिनहाजुस सिराज एंड हसन निजामी, अमीर खुसरो एंड इसामी, यहया बिन अहमद एंड जियाउद्दीन बर्नी, शमसे सिराज अफीफ एंड महमूद शादी आबादी। विच इज द करेक्ट आंसर? अच्छे क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं वैसे तो, ठीक है, ध्यान से देखोगे तब ना। चलिए सभी के सभी, थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका मत था कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रहनी चाहिए और चरखा चलाना चाहिए? वैसे तो आजकल के पुरुषों का भी कई लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है, लेकिन निकलो इन जंजीरों से, और अपनी हक की डिमांड करो, अपने हक के लिए लड़ो। विच इज द करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो और इसामी विल बी द करेक्ट आंसर। बी वाले सभी लोग, श्वेता बहुत बढ़िया, प्रियंका, गुलनाज बहुत बढ़िया बच्चे लोग, बी शुड बी द करेक्ट आंसर, अमीर खुसरो एंड इसामी का ये स्टेटमेंट। नाइस क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मैच इन द फॉलोइंग, इक्ताए तमलीक, इक्ताए इस्तिगल, इतलक और मुक्तीज का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, इक्ताए तमलीक, इक्ताए इस्तिगल, इतलाक और मुक्ति का क्या मतलब होता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा, इजीली आंसर कर पाओगे। फास्ट आंसर देखो ध्यान से, इक्ता, सभी को मैंने बता रखा कि इक्ता इज यूनिट ऑफ लैंड, यूनिट होता है, यूनिट ऑफ लैंड, ठीक है सभी लोग। इक्ता है तमलीक, इक्ता कवर भूमि जो खेती योग, पड़ती या खादा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, दैट इज द इक्ता है इस्तगल, वजीफा संबंधी इक्ता, इतलाक, असाइनमेंट, आदेश, जिसे आदेश कहते हैं, इतलाक है आदेश। मुक्ति का मतलब होता है कि कार्यों का धारक, मुक्ति। राइट आंसर विल बी द ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सब लोग करेक्ट है। इस बार ना मुझे पता है, मुझे रिफ्लेक्ट होता है कुछ स्टूडेंट को देख के, अपने स्टूडेंट्स जो रेगुलर यूट्यूब की क्लास में है, उन लोग को देख के रिफ्लेक्ट होता है कि इस बार जीआरएफ लेकर आओगे और रैंक लेकर आओगे। जीआरएफ तो होना हो ही जाए, रैंक लाना ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, पसंद है कि आप लोग रैंक लेकर आओ। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ तुर्कानी चहलगानी? निम्नलिखित में से कौन तुर्कानी चहलगानी का हिस्सा नहीं था, तुर्कानी चहलगानी का हिस्सा, ये देखिएगा। बहाउद्दीन तुगरील, कुतलुक खान, इमादुद्दीन रिहान और बलबन। पहली बात की बलबन था, बहाउद्दीन तुगरील खान थे, कुतलुक खान भी थे, इमादुद्दीन रिहान ये बलबन का ओपोनेंट था, बलबन का क्या था, ये ओपोनेंट था, इसका विरोधी था, ठीक है। तो इमादुद्दीन रिहान इसका आंसर हो जाएगा, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान से आंसर करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं और कोई नहीं, तुम क्या हो जो मैं नहीं हूं और तुम क्या हो जो मैं नहीं हूं? उपरोक्त कथन का दावा निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा किया गया था? क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, समूह, एक वर्ड आ गया, समूह या सुल्तान द्वारा किया गया था। आई एंड नन अदर, व्हाट आर यू एंड आई एम नॉट, एंड व्हाट हैव यू बीन दैट आई हैवंट बीन। द अबव स्टेटमेंट वाज क्लेम्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? यहीं पे आंसर है कि ग्रुप की बात कर दिया है, ये ग्रुप कौन सा है जो बोल रहा है इसी बातें,
राइट आंसर शुड बी द तुर्काने चैताली, जिसमें तकरीबन 40 नोवेल्स होते थे, नोवेल 40 नोवेल, और इसको स्टार्ट इल्तुतमिश ने करवाई थी, इसने करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था, और इसको समाप्त इसको एंड करवाया था बलबन ने, किसने करवाया था बलबन ने इसको खत्म करवाया था। तो राइट आंसर शुड बी द ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 1442 से 43 में मांडू में एक अस्पताल बनवाया और आदेश दिया कि दवा वहीं खरीदी जाएंगी और इस्लामिक और ब्राह्मणवादी दोनों चिकित्सकों द्वारा निर्धारित की गई, जो हिंदू स्कॉलर्स और मुस्लिम स्कॉलर लिखेंगे वही चिकित्सा में दवाई का इस्तेमाल होगा। ऐसा करने वाला सुल्तान कौन था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान महमूद खिलजी, सुल्तान नसरुद्दीन, सुल्तान बख्तियार खिलजी, विच विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा सभी के सभी, एंड विच इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर शुड बी द सुल्तान महमूद खिलजी विल बी द करेक्ट आंसर। बी वाले सभी लोग करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया, गलती कर रहे हो बेटा विनीता, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा सभी के सभी लोग मेहनत करना शुरू करो, मेहनत करने की जरूरत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नियामतुल्ला, निमातुल्ला लिख दिया है, नियामतुल्ला लिखते हैं कि सुल्तान फिर उस स्थान को देखने के लिए एक नाव पर गया, रास्ते में आनंद लेते हुए और शिकार करते हुए उस स्थान पर पहुंचा और रहने के उद्देश्य से क्षेत्र की ऊंचाई को पसंद किया। सुल्तान ने कहा नाम इस शहर का आगरा होगा, सुल्तान को पहचाने। ऐसा करने वाला सुल्तान कौन था? ध्यान से सुने। नियामतुल्ला राइट्स, द सुल्तान इवन वेंट ऑन अ बोट टू सी द साइट्स, एंजॉयिंग एंड हंटिंग ऑन द वे, ही रीच्ड द प्लेस एंड लाइक द एलिवेशंस ऑफ द एरिया फॉर पर्पस ऑफ हैबिटेशंस। द सुल्तान सेड द नेम ऑफ दिस सिटी वी द आगरा, आइडेंटिफाई द सुल्तान। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट आंसर करते चलेंगे। राइट आंसर शुड बी द सिकंदर लोधी, और आगरा में राजधानी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है सिकंदर लोधी ने। दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया था? आगरा ले गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समकालीन इतिहासकार ने घोड़ों को युद्ध का मुख्य साधन बताया और सामंती करो कि उसकी निंदा से विशुद्ध शैन दृष्टिकोण से तुर्की की ताकत और भारतीय सेनाओं की कमजोरी का पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन हैज गिवन द अकाउंट ऑफ द हॉर्स एज द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर एंड हिज कंडेमनेशंस ऑफ फ्यूडल लेवी reveals the strength of the Turkish and the weakness of the Indian army from a purely military point of view. Okay, point of view. ठीक है। तुर्की की ताकत और भारतीय सेना की कमजोरी का पता चलता है। ठीक है। इतिहासकार ने घोड़े को युद्ध का मुख्य साधन बताया। ठीक है। बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है। Which is the correct answer? Which is the correct answer? ऐसा स्टेटमेंट देने वाला पहला व्यक्ति जो दिखता है मुझे, that is a मिनहाजुस सिराज विल बी द करेक्ट आंसर, जिन्होंने तबकाते नासरी में ये बात लिखी थी। तबकाते नासरी, नासरी में ये बात लिखी थी। राइट आंसर शुड बी द बी, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट सी बेटा, राइट आंसर शुड बी द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अलबरूनी किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहली बात तो इस किताब को अरबी भाषा में लिखी गई, कौन से भाषा में? अरबी भाषा। ठीक है, क्वेश्चंस को देखेंगे। अ सिंपैथेटिक स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मेनली ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्रिटिकल ऑफ द गजनवी प्लंडरिंग रेड्स ऑफ द इंडिया मेनली अ स्टडी ऑफ इंडियाज कल्चरल सोशल एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। इस क्वेश्चन में ना दो ऑप्शन हो सकते हैं, वैसे इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी आप लोग आंसर करें। पहले अलबरूनी की किताबुल हिंद में भारतीय सभ्यता का एक सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन है, मुख्य रूप से भारत का राजनीतिक इतिहास, महमूद गजनवी के भारत को लूटने के अभियान की आलोचना, मुख्य रूप से भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक इतिहास का अध्ययन। विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर। देखो पहली बात, भारतीय सभ्यता का एक सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन देखने को मिलता है,
किताबुल हिंद में, ठीक है। मुख्य रूप से भारत की राजनीति के इतिहास पे इन्होंने फोकस नहीं किया। महमूद गजनवी की आलोचना कुछ इतिहासकार कहते हैं कि किया था, लेकिन मैं नहीं देखता हूं। वजह है कि आप उनकी उन्हीं के दरबार में रह के उनकी बुराई नहीं कर सकते, ठीक है। मुख्य रूप से भारत की संस्कृति, सामाजिक और भौतिक इतिहास का अध्ययन करता। राइट आंसर शुड बी द बी, इज करेक्ट। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ जगह पे आपको ए देखने को मिलता है, लेकिन आप इसका आंसर बी ही कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। मैच द लिस्ट नंबर 1 को लिस्ट नंबर 2 के साथ। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। रीइंपोज जजिया, सुंदर लोन, सिजदा एंड पाबोस एंड सरे अदल। इस क्वेश्चन का हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखिएगा सभी के सभी। विच विल बी द करेक्ट आंसर, थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते चलिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। विच इज द करेक्ट आंसर? देखो, बलबन के बारे में कहा जाता है पाबोस एंड सिजदा सिस्टम इंट्रोड्यूस, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है सरे अदल, सरे अदल, सरे अदल डिपार्टमेंट है, ये सरे अदल डिपार्टमेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सुंदर लोन जो चुका नहीं पाते थे उनको माफ किया था लोन को। फिरोज शाह तुगलक, जजिया कर दोबारा लागू किया। सी शुड बी द करेक्ट, सी वाले सभी के सभी लोग करेक्ट, वेरी गुड। द मेन डिफिकल्टीज ऑफ इल्तुतमिश, मेन डिफिकल्टीज ऑफ इल्तुतमिश व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, जब वो गद्दी पर बैठने गया तो उनके साथ चैलेंजेस क्या थे? पंजाब वाज होस्टाइल टू हिम, बंगाल एंड बिहार सेवर्ड देयर कनेक्शंस, अली मर्दान ऑफ लखनौती सेट हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट रूलर, द रिवोल्ट ऑफ आराम शाह। विच विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान से आंसर कीजिएगा। पंजाब उससे शत्रुतापूर्ण था, बंगाल और बिहार ने अपने संबंध विच्छेद कर लिए थे, लखनौती के अली मर्दान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया, आराम शाह का विद्रोह। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये सभी चैलेंजेस इल्तुतमिश को झेलना पड़ा था। राइट आंसर शुड बी द डी, डी इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे और ये आपके जो है क्वेश्चंस के आप लोग स्कोर। सर 5 जून से मेरा पीजी का एग्जाम है, देखिए एग्जाम आपका जून में कब है वो आप देख लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट किया जा सकता है यूनिवर्सिटी में भी और आप जो है यूजीसी को भी रिक्वेस्ट किया जा सकता है। ऐसा फिक्स है तो डेट बढ़ सकता है, बहुत सारे लोग मिलकर जब मेल कीजिएगा तो डेट बढ़ जाएगा। आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। 28 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा ये आपको बताना है। साथियों Y628 मेरा ये कोड है, कोई भी कोर्स खरीदने के समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मुझे आप जावेद डी यू पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की सेशंस आप लोगों का जो है स्थगित करता हूँ। सभी के सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि क्लास को शेयर करें। कैसा लगा क्लास ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसी के साथ आज की क्लास में मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।